नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी दिन पर दिन अखिलेश यादव से और भी बढ़ती जा रही है। यहां पर देखने को मिल रहा है कि शिवपाल सिंह यादव ने अभी तक सपा पार्टी का दामन नहीं छोड़ा है, लेकिन उनकी नाराजगी जो है सपा पार्टी के साथ अभी भी बनी हुई है और ये नाराजगी अब साफ तौर पर लोगों को भी दिख रही है। दरअसल सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत हुई और यहाँ पर सपा पार्टी की तरफ से, उनकी विधायकों की तरफ से लगातार जमकर हमला बोला गया बीजेपी पर और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने इस विरोध प्रदर्शन से अपने आप को किनारा किया और विधायकों के साथ जो है इस विरोध प्रदर्शन में वो शामिल नहीं हुए। और अब मंगलवार को खबरें ये आ रही है कि शिवपाल सिंह यादव ने अपनी सीट बदलने की अपील भी की है। जी हाँ, यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष से शिवपाल सिंह यादव ने चिट्ठी लिखकर अपनी सीट बदलने की मांग की है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब शिवपाल सिंह यादव सपा के विधायकों के साथ बैठना नहीं चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी सीट बदलने की मांग जो है वो विधानसभा अध्यक्ष से की है। अब देखना ये है कि उनकी ये जो सीट बदलने की मांग है वो पूरी की जाती है या नहीं। यहाँ पर आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव के साथ साथ 12 और ऐसे विधायक है जिन्होंने विधानसभा में अपनी सीट बदलने की मांग की है और उनके सीट जो है वो बदले भी जाएंगे, लेकिन इस बात से अखिलेश यादव ने अपनी नाराजगी दिखाई है और उनका कहना है कि सपा के विधायकों को जो है सीट बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सपा के विधायक है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जिस तरह से 3 से 4 बार विधायक पद की जो है उन्होंने शपथ ली, 3 से 4 बार उन्होंने जो है विधायक पद पर वो बने हुए, लेकिन अभी भी उन्हें पीछे की सीट दी जा रही है, जिस बात से वो नाराज है और वो चाहते हैं कि विधानसभा में उन्हें आगे की सीट दी जाए। लेकिन यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव का मामला अलग है। शिवपाल सिंह यादव चाहते हैं कि उन्हें सपा विधायकों के साथ ना रखकर एक अलग सीट दी जाए। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब बैठना भी गवारा नहीं समझ रहे हैं शिवपाल सिंह यादव, लेकिन उनकी जो नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से नहीं हो रही है। दरअसल 2020 में ही ऐसी खबरें आ रही थी कि अखिलेश यादव से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल, लेकिन 2022 के विधानसभा में देखा गया कि विधानसभा चुनाव के टाइम पर दोनों चाचा भतीजे एक हो जाते हैं, लेकिन फिर जब चुनाव हारती है सपा पार्टी उसके बाद देखा जाता है कि विधायकों की मीटिंग बुलाई जाती है जहां पर शिवपाल सिंह यादव को न्योता नहीं भेजा जाता है। उसके बाद से दोनों के बीच लगातार नाराजगी और टकराव की खबरें आती रही, लेकिन अभी तक यहां पर बीजेपी का दामन थामने की बात की जा रही थी शिवपाल सिंह यादव की तरफ से, लेकिन वो भी नहीं हुआ और अभी तक शिवपाल सिंह यादव जो है सपा पार्टी के साथ बने हुए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी सीट बदलने की बात की है, यहां पर उन्होंने साफ कर दिया अपनी तरफ से कि वो सपा पार्टी के विधायकों के साथ नहीं बैठना चाहते हैं और सपा पार्टी से अभी भी वो नाराज चल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि उनके इस सीट बदलने की मांग पर अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया आती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।